अब इससे श्याम को ही बात करेंगे, कैसा हो गया है पेपर? कैसा हो गया है पेपर? गजब बेइज्जती है। कैसा हो गया? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। लेकिन बेड़ा पार हो जाएगा आपका। लेकिन बेड़ा पार हो जाएगा आपका। हम इसका रूम ढूंढेंगे। अब ये पता नहीं कौन से रूम में है यार, बहुत ज्यादा मतलब है, गड़बड़ा गया सौदा। फाइनली दोस्तों, इस जसवंत का रूम मिल चुका है। अब ये आराम से इस रूम में रहेगा। और भाई साहब बस अब और कुछ कर देना, आपकी इच्छा है वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हेलो मित्रों, मैं मिस्टर बाबू, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, जसवंत सिंह हमारे साथ है और इसका आज है एग्जाम, और इसको मैं छोड़ने जा रहा हूं स्कूल में। 12वीं में है, तो आज किसका एग्जाम है ये आपको बताएगा। दोस्तों, आज मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। अपने खुले दिमाग से, खुले मन से पेपर दीजिए। तो पेपर देने में कोई वो नहीं है, किसी का पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, आप बस मन करके जो आए वो लिख दो और तैयारी अपनी फुल रखो, जिससे कि हमें झिझक ना हो कि भाई साहब फेल होऊंगा वो होऊंगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी फुल रखो, जिससे कि जुनून रहे कि मैं हाँ हर सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इससे श्याम को ही बात करेंगे, कैसा हो गया है पेपर? कैसा हो गया है पेपर? गजब बेइज्जती है। कैसा हो गया? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मतलब किसी चीज का पेपर हो रहा, अगर आपके कम नंबर आए, तो आप ऐसा मत कीजिए कि कोई लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं करना है। अगर एक चांस में नहीं हो रहा है तो सेकंड चांस ट्राई कीजिए, दूसरे चांस में दिक्कत नहीं हो जाएगा। लेकिन बेड़ा पार हो जाएगा आपका। लेकिन बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बस आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने अंदर जुनून बनाते रहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सीन, इसको छोड़ तक। इसको छोड़ तक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसको छोड़ने तक का जो सफर रहेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, जसवंत सिंह की स्कूल आ गई है और अभी इसका गेट नहीं खुला है, क्योंकि 8 बजे इसका गेट खुलेगा। जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। दोस्तों, इस स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूपसेड़ा। दोस्तों, स्कूल का गेट खुल चुका है, अब आपको मैं इसका सीन दिखाता हूँ, कितनी बड़ी ये स्कूल है। तो दोस्तों, जसवंत को मैं इसकी स्कूल में पहुंचा दिया हूं। देख सकते हो यहां पे ये स्कूल है, यहां पर ही इसका एग्जाम रहेगा। तो भाई साहब, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, नहीं, नहीं, बढ़िया अच्छी तरीके से एग्जाम देना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चे घूम रहे हैं भाई साहब, स्कूल के सभी बच्चे घूम रहे हैं। अभी बच्चे आए नहीं, अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो अब दोस्तों, इसका रूम देखते हैं कि किस रूम नंबर में इसका एग्जाम रहेगा, ये बैठेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इसका रूम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम इसका रूम ढूंढ रहे हैं, फटाफट से ढूंढ दें हम इसका रूम। भाई साहब देख रहे हैं कहां पर क्या नंबर आया। घबराना नहीं है, हम इसका रूम ढूंढेंगे। अब ये पता नहीं कौन से रूम में है यार, बहुत ज्यादा मतलब है, गड़बड़ा गया सौदा। हम तो गड़बड़ परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया सौदा। भाई साहब रूम ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं बार बार। कोई ना लगे ना रखे मेरे कुछ पर जोर से। कोई नहीं है भाई साहब, अब दूसरी साइड चलेंगे। फाइनली दोस्तों, इस जसवंत का रूम मिल चुका है, अब ये आराम से इस रूम में रहेगा, आराम से इस रूम में रहेगा, एग्जाम देगा और शाम को इससे पूछेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ये एग्जाम दे के जसवंत सिंह आ चुका है, जसवंत पहलवान। अब इसे पूछते हैं क्या कैसा रहा इसका पेपर, बताइए जी। दोस्तों, पेपर बड़ा ही हार्ड था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कुछ भी करके पेपर को आधे से ज्यादा मतलब कि 100% पेपर को करके आया। अब उसमें से नंबर मेरे आधे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इतना मुझे कन्फर्म है। लेकिन इसकी भाई साहब मैं बात बताऊँ, इसकी तैयारी फुल थी। ठीक है, लेकिन इसने तैयारी की है तब इसने आज बाजी जीती है। ऐसे ही अगर आप भी तैयारी करोगे फुल अच्छी तरीके से,
तो आप भी हर चीज में बाजी जीत सकते हो। और इसका अब रिजल्ट आएगा तब उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा क्या इसकी कितनी परसेंटेज बनती है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बनेगी इसकी, क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है। ठीक है, तो अगली वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परसेंटेज जो आएगी वो कब आती है पता नहीं, फिर ही आपको बताऊंगा मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भाई साहब बस अब और कुछ कर देना, आपकी इच्छा है वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।